बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल। माई अमजद इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्रिएट और डिस्पोज मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले मैं अपने इस फ्लो चार्ट एरिया में क्रिएट के मॉड्यूल को ड्रैग करूंगा और जैसे ही मैंने क्रिएट मॉड्यूल को ड्रैग किया अपने फ्लो चार्ट एरिया में तो यहाँ पे आप देखें मेरा ये मॉड्यूल लेक्टेड है और मैं राइट साइड पर किसी भी जगह करूंगा तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा जब मैं इस पर करूंगा तो ये सिलेक्टेड पोर्शन में शो हो जाएगा और इसका बाय डिफॉल्ट नेम जो है वो क्रिएट वन लिखा हुआ मिल रहा है क्रिएट मॉड्यूल की जो डिस्क्रिप्शन है वो कुछ इस तरह से है कि ये मॉड्यूल यूज किया जाता है एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एंटिटीज इन अ सिमुलेशन मॉडल जो हमारा सिमुलेशन का मॉडल है उसके स्टार्ट के अंदर जो हम मॉड्यूल यूज़ करते हैं एंटिटीज को क्रिएट करने के लिए उसको हम क्रिएट मॉड्यूल का नाम देते हैं एंड द एंटिटीज आर क्रिएटिंग यूजिंग अ स्केजल और बेस ऑन अ टाइम बिटवीन अराइवल एंड द एंटिटीज देन लीव द मॉड्यूल टू बिगिन द प्रोसेसिंग थ्रू द सिस्टम एंड द एंटिटी टाइप इज स्पेसिफाइड इन दिस मॉड्यूल And some typical uses of the create module are number one, the start of a parts production in a manufacturing line, or you can say a document arrival, for example, order, chat, application into a business process, or you can say a customer arrival at a service process like retail, store, restaurant, information test, and so on. So let's double click on it. तो जब आप अपने इस क्रिएट मॉड्यूल पे डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने ही की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको डिफरेंट इनपुट्स की फील्ड्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं और वन बाय वन हम उन फील्ड्स के बारे में एक्सप्लोर करेंगे लाइक नेम की फील्ड है एंटिटी टाइप की फील्ड है टाइम बिटवीन अराइवल की फील्ड्स है एंटिटीज पर अरावल टी फील्ड है मैक्मम अराइवर्सटी फील्ड है फर्स्ट क्रिएशन की फील्ड है तो वन बाय वन हम इन सब को एक्सप्लन करेंगे इसका क्या मतलब है सबसे पहले जो मेरे पास फील है नेम की यहाँ पे आप देखें क्रिएट वन जो बाय डिफॉल्ट नेम लिखा हुआ इसका मतलब ये है कि ये एक यूनिक नेम होगा आपके इस मॉड्यूल का जो इस मॉड्यूल के लिए ही यूज किया जाएगा किसी दूसरे मॉड्यूल में आप उसको तो यूज नहीं कर पाएंगे लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ कस्टमर अराइवल मतलब कि मेरे इस मॉड्यूल से जो है कस्टमर जो है वो अराइव होंगे सेकंड नंबर पे मेरे पास है एंटिटी टाइप एंटिटी टाइप इज बेसिकली नेम ऑफ द एंटिटी टाइप टू बी जनरेटेड जोन सी भी आप एंटिटी जनरेट करने जा रहे हैं उसको आप यहाँ पे नेम डिफाइन कर सकते हैं लेट से मेरे पास यहाँ पे कस्टमर अराइवल के अंदर मेल्स नहीं आना मतलब कि मुझे सिर्फ इस सिस्टम में मेल्स एंटर होने रादर देन फीमेल यहाँ मैं कह सकता हूँ अगर मैं कोई मैन्युफेक्चरिंग प्रोसेस की बात करूँ तो मैं कहूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो बॉक्सेस हैं उन्होंने एंटर होना है रादर देन कि कोई स्पेसिफिक साइज के बोर्ड्स की अगर मैं बात करूँ कि फाइव बाई फाइव बाई टू का बोर्ड जो है वो यहाँ पे सिस्टम में एंटर हो रहा इस तरीके से आप उसकी टाइप जो है वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट है ने जी मेरे पास टाइप अंडर द टाइम बिटवीन अराइवल सेशन तो टाइप के अंदर जब मैं इस पुल डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट टाइप शो हो रही हैं रैंडम एसपो स्केजुअल कॉन्स्टेंट और एक्सप्रेशन और देन वेरी नेक्स्ट मेरे पास वेल्यूटी फील्ड है और यूनिट्स जो हैं वो है वो अवेलेबल हैं तो टाइप ऑफ अराइवल बेसिकली क्या है कि जो एंटिटीज़ आपकी क्रिएट होनी जनरेट होनी वो किस तरीके से जनरेट करनी है आपने अदर वो रेंडम एसफोनशियल डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कोई स्केजुअल को तो फॉलो कर रही है अगर आप मैं स्टेजुअल पे जाऊँगा तो देखें यहाँ पे फील्ड जो है वो चेंज हो जाएगी इसी तरह से मैं कांस्टेंट पे जाऊंगा तो यहाँ पे देखें लिए मेरे पास यहाँ पे वैल्यू शो होगी और देन एक्सप्रेशन जो आप खुद यहाँ पे बिल्ड करेंगे तो आप इस तरीके से अपनी एंटिटीज की जनरेशन की जो टाइप है वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं और रैंडम के लिए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है जो यूज़र स्पेसिफाई करेगा उसकी मीन की वैल्यू उसी वैल्यू के ऊपर जो है एंटिटीज़ आपकी क्रिएट से मैं कहता हूँ कि ज़ीरो पॉइंट फाइव मिनट्स हर आधे मिनट के बाद जो है एंटिटीज़ जो है मेरी सिस्टम के अंदर एंटर होनी अगर मैं यहाँ पर इसकी टाइप डिफरेंट स्केजुल कर देता हूँ मीन कि मैं यहाँ पर कोई स्कीजल का रूल जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ जो हमारे चल के पढ़ेंगे भी डिटेल से कॉन्सटेंट है वो भी यूज़र स्पेसिफाइड हो रहा और कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी और एक्सप्रेशन के अंदर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं ये एक्सप्रेशन जो हैं वो अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं ठीक है, है? तो मैं यहाँ पे इसको रैंडम एक्सपो रहने देता हूँ और इसकी वैल्यू को जीरो पॉइंट फाइव कर देता हूँ और यूनिट्स यहाँ पे मिनट्स में औरटेंड में में जिसमें भी आप क्रिएट करना चाहिए वो आप यहाँ पे बता सकते हैं नेक्स्ट मेरे पास फील है जी वैल्यू जिसमें मैंने जीरो पॉइंट फाइव लिखा है, ये मीन अगर तो आपने की की है। और वैल्यू इफ द कॉन्स्टेंट इज यूज एंड फॉर द टाइम बिटवीन अराइवल एंड अप्लाईज ओनली वेन द टाइप इज रैंडम एंड कॉन्स्टेंट तो ये वैल्यू टी जो फील्ड है सिर्फ रेंडम एसपो और कॉन्स्टेंट की फील के लिए ही अप्लाई होगी नेक्स्ट है जी मेरे पास स्केजुअल नेम जब मैं यहाँ पे स्केजुअल पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखें स्केजुअल नेम की फील जो है वो शो होती है जो कि बेसिकली आइडेंटिफाई करेगी नेम ऑफ द स्केजल टू बी यूज जिस स्केजुअल के नेम को आपने यूज करना है उसका नेम आपने यहाँ पे लिखना है एंड द स्केजल डिफाइन द अरावल पैटर्न फॉर द एंटिटीज अराइविंग टू द सिस्टम And applies only when the type is schedule. We can do the example related to the schedule type later on. Next, we pass expression. So, expression any distribution or the value that specifying the time between the arrival is put it here and applies only when the type is expression. And the very next units and jote are टाइम यूनिट्स को स्पेसिफाई करेंगे अपने इंटर अराइवल और फर्स्ट क्रिएशन के टाइम को एंड डज नॉट अप्लाई व्हेन द टाइप इज जब टाइप होगी तब आपके सामने से ये यूनिट की फील्ड जो है वो डिसअपियर हो जाएगी नेक्स्ट मेरे पास एंटिटीज पर अराइवल है जी जो कि नंबर ऑफ एंटिटीज विल एंटर द सिस्टम एट अ एटेंट टाइम विद ईच अराइवल वो यहाँ पे शो की जाएंगी रिप्रेजेंट की जाएंगी लिखी जाएंगी मैक्सिमम अराइवल इनफाइनाइट है और जो कैन से मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज डेट दिस विल जनरेट ये अगर यहाँ पे मैक्मल के मैक्सिमम हंड्रेड कस्टमर सिस्टम में एंटर होंगे इससे ज्यादा कस्टमर जो है वो सिस्टम में एंटर नहीं हो सकते और इसको अगर स्पेसीफाई करूँ हो रही होगी अगर मैं यहाँ पे टेन लिखता तो हूँ मतलब पे जो है वो करेंगी इसका मतलब ये है और फर्स्ट क्रिएशन का मतलब यह है कि स्टार्टिंग टाइम फॉर द फर्स्ट एंटिटी टू अराइव इन टू सिस्टम एंड डज नॉट अप्लाई वेन द टाइप इज स्केजल ये था जी हमारे पास क्रिएट का मॉड्यूल जिसमें हमने देखा कि क्रिएट का मॉड्यूल क्या होता है और इसके कौन कौन से जो प्रॉम्प्ट वैल्यूज हैं जो फील्ड हैं वो अवेलेबल हैं इस क्रिएट के मॉड्यूल में नेक्स्ट मेरे पास जो मॉड्यूल है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है डिस्पोज का मॉड्यूल डिस्पोज का मड्यूल बेसिकली यूज किया जाता है या इंटेंडिड है यूज करने के लिए फॉर एंडिंग इन फॉर एंटिटीज इन अ सिमुलेशन मॉडल जो भी आपके मॉडल की एंटिटीज क्रिएट होंगी यूजिंग क्रिएट मॉड्यूल वो डिस्पोज होंगी आपके डिस्पोज के मॉड्यूल के साथ और डिस्पोज के मॉड्यूल को स्टेटिस्टिक को रिकॉर्ड करने के लिए एंटिटी की स्टेटिस्टिक को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है टिपिकल यूज पार्ट लिविंग द मॉड्यूल फैसिलिटी टर्मिनेशन ऑफ एनी काइंड स्टोर सिंपल मैंने थ्री एग्जांपल्स जो है आपके एक्सप्लेन की हैं और जब आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो डिस्पोज की जो विंडो है इसमें कुछ खास डीप इसके अंदर ऐसा नहीं है दो ही सिर्फ ऑप्शन है लाइक like नेम जो नेम है वो आपके डिस्पोज मॉड्यूल के नेम रिप्रेजेंट आ रहा है आ रहा है, जो आप इसके अंदर का, करना है रिकॉर्ड एंटिटी स्टैटिस्टिक्स विल बी रिकॉर्डेड और अनचेट कर दूंगा तो फिर एंटिटी स्टैटिस्टिक्स जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो रही और डेफिनेटली वो फिर सिमुलेशन की रिपोर्ट में भी शो नहीं होगी स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड द वैल्यू एडिड टाइम नॉन वैल्यू एडिड टाइम वेट टाइम ट्रांसफर टाइम अदर टाइम लाइक टोटल टाइम वैल्यून वैल्यूडेड ट्रांसफर टोर्ट अदर टोर्ट एंड टोटल टोस्ट तो ये सब चीजें जो है आपकी इस एंटी स्टेटिस्टिक जाती हैं इसके साथ ही मेरा यह लेक्चर कम्पलीट हो जाता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रोसेस मड्यूल के बारे में पढ़ेंगे थैंक यू